तो हाय दोस्तों, मैं हूं तामेश्वर और मेरे इस तामेश्वर फिशरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो, ये पीछे में जो दिखाई दे रहा है वो महानदी है और आज यहां पे ट्रेडिशनल तरीका से प्रॉन का फिशिंग हो रहा है। और इन लोग ट्रेडिशनल तरीका मीन्स एक छोटा सा ट्राइंगल साइज का नेट बनाते हैं और उसमें प्रॉन को पकड़ते हैं। तो प्रॉन के साथ अदर स्पीसीज भी आता है, जैसे कि नॉर्मल फिन फिश है तो पुंटिया ज़्यादा आता है और कुछ ऑर्नामेंटल का भी स्पीसीज आता है। तो मैं आप लोग को वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि कैसे इन लोग प्रॉन यहाँ पे पकड़ रहे हैं। और छोटा स्पीसीज है प्रॉन का, उतना बड़ा नहीं है। तो चलो मैं आप लोग को जाके दिखाता हूँ। दोस्तों, जहाँ पे फिशिंग हो रहा है वहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो मैं आप लोग को जाके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो दादाजी यहाँ पे कर रहे हैं फिशिंग। और ये खास प्रॉन के लिए नेट बनाया गया है, लेकिन इसके साथ और बहुत सारा फिश भी आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिन फिश भी आ जाता है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन कौन सा स्पीसीज आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रॉन पकड़ने का नेट है और मैं आप लोग को थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहे हो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये दादाजी है और कैसे फिशिंग कर रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो ट्राइंगल जैसे नेट दिख रहा है वो नीचे से ले जाते हैं और नीचे में बहुत सारा वीट्स है, जो महानदी फ्रेश वाटर का स्पीसीज है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और ऐसे फिशिंग करते हैं और फिर धीरे से ऐसा इनको ऐसा ऊपर उठाते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ प्रॉन आया होगा तो, प्रॉन नहीं आया होगा तो कुछ ना कुछ स्पीसीज तो आया होगा। दिखाओ इतना लाम जाली का, एक कोठा नहीं आए, तीन चार तो आप लोग देख सकते हो ये है प्रॉन का स्पीसीज। अब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता कि कौन सा स्पीसीज है ये, लेकिन प्रॉन ही है और साथ में कुछ कुछ फ्रेश वाटर फिश भी आता है। और ये होता है, ये नीचे से ऐसा नेट है जो यहाँ से कलेक्शन होता है मछली, देख सकते हो यहाँ पे सब कलेक्ट हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल तरीका है और कंटिन्यू फिशिंग करते रहते हैं। काय की था गोयला तुमन यही जालीला? तो मैं दादाजी से पूछ रहा हूँ, तो मैं दादाजी से पूछा कि इसको नाम क्या दिए हो करके, तो इनका कहना है कि इनको पेलना बोलते हैं, पेलना। और ये ट्राइंगल है इसलिए इनको तिनकोनिया भी बोलते हैं। तो देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये ईल का भी स्पीसीज आया है, छोटा सा है ये, लगभग दिखाता हूँ साफ करके पानी में। ये देख सकते हो ऐसा छोटा छोटा स्पीसीज भी आता है ईल का। और ये खास मतलब प्रॉन पकड़ने के लिए है। क्या बोलता होगा तुम्हारे ला का मछली यही ला चिंगरीज का थेला? हाँ, ये छत्तीसगढ़ी में हम लोग चिंगरी बोलते हैं इसको, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। देख सकते हो आप लोग, मैं थोड़ा सा हाथ में लेके दिखाता हूँ, ये है चिंगरी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और आप लोग जानते हो साइंटिफिक इसको अगर बोले तो ये प्रॉन का स्पीसीज है। अब एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा स्पीसीज है, लेकिन प्रॉन का ही है और साथ में ऐसा पुंटियस का भी स्पीसीज है। देखा मछली को? देख यह हाँ काली मछली है, काली करिया जगह थे। इसको दादाजी करिया मछली बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हो ये ऑर्नामेंटल के लिए बहुत अच्छा है। अब मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा मछली है ये, लेकिन मेरे को तो लग रहा है ऑर्नामेंटल का कुछ गौरामी का स्पीसीज है लग रहा है। तो ये महानदी में ये भी है और साथ में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा स्नेक हेड का भी स्पीसीज आया है। कते क्रेट होगा चिंगरी का भी?
मतलब सूखा करके बेचता हो? कितना बेचता हो? 400। हाँ देखो दादाजी बता रहे हैं कि अगर उसको ड्राई करके बेचते हैं तो 400 रुपये किलो में जाता है करके, लेकिन वो सीजन के हिसाब से होता है, बरसात में कम बिकेगा वो। तो उनका रेट फिक्स है बोल रहे हैं कि बरसात में भी 400 रुपये किलो मिलता है, तो इनके लिए इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो देख सकते हो ये नेट है, हाँ ये नेट को बनाने में दादाजी बोल रहे हैं कि 3 दिन लग जाता है, और ये बचपन से बना रहा हूँ करके बोल रहे हैं ना गो। तो दादाजी बता रहे हैं कि बचपन से बना रहे हैं, तो इनको काफ़ी एक्सपर्ट है इस मामले में, तो ये 3 दिन में प्रिपेयर कर लेते हैं। मैं आप लोग को एक बार इस ट्रायंगल नेट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, देख सकते हो ये कॉर्नर है इनका, ये 2 और ये 3, 3 कॉर्नर है, और ये जो डंडा होता है इसको ऐसा थाई के बीच में लगाए रहते हैं, तो वहाँ से ऐसा पकड़ के फिर पानी के अंदर इसको फिशिंग करते हैं। तो देख सकते हो, और यह काय के गो धागा है। हाँ देखो दादाजी को भी पता है, ये वाला धागा बता रहे हैं नाइलॉन का है, ये वाला धागा नाइलॉन का। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ऐसा फिशिंग के लिए। तो दोस्तों दादाजी के लिए ज़रूर एक लाइक तो बनता है यार, देख के बताओ आप लोग कैसा लगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे वीट का भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप लोग को पता हो तो बताइए कौन सा स्पीसीज है। ये फ्रेश वाटर है, महानदी का ही है, और वीड है, ऐसा बहुत है यहाँ पे, देख सकते हो। तो दोस्तों आज का फिशिंग हो गया है बता रहे हैं दादाजी, और तो दादाजी भी घर जा रहे हैं देख सकते हो, और मैं भी अपने घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। तो चलो दोस्तों आज का रिकॉर्डिंग हो गया है, अब मैं भी घर की तरफ प्रस्थान करता हूं। और अगर आप लोग को ऐसी ट्रेडिशनल फिशिंग के बारे में देखना है और जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।